तो हमारी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस हुए थे जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं और कुछ टॉपिक्स की वीडियोस रह गई हैं जिसमें से आज हमने एक टॉपिक को कलेक्ट किया हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑटोमेट प्राइजिंग एग्जैक्टली ऑटोमेट प्राइजिंग होता क्या है हम इससे कुछ पता लगा सकते हैं वो क्या है ऐसा आप साउंड कर रहे होंगे कि वट इज़ ऑटोमेट प्राइजिंग प्राइजिंग से आप पता लगा सकते हैं जब भी हम एक बिजनेस लाइव करते हैं तो उसमें प्राइजिंग कॉस्ट कितनी इम्पोर्टेंट होती है सो so आज हम वही डिस्कस करेंगे जब हम अपना अमेजोन पे अकाउंट लाइव कर देते हैं उसके बाद ये ऑटोमेट प्राइजिंग क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी तो सबसे पहले ऑटोमेट प्राइजिंग क्या है वो चीज़ क्लियर करती हूँ ऑटोमेट प्राइजिंग इज़ अ फास्ट कन्वर्ट वे आपकी प्राइजिंग को अपडेट करने का ठीक है लाइक फॉर एक्जाम्पल हम सिंगल सिंगल अपडेट करते हैं हम यहाँ पर बल्क में भी कर सकते हैं एंड सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा सकती हूँ यहाँ पर कि हम सिंगल कैसे करते हैं एंड बल्क में कैसे करेंगे सो so, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा सेकेंडली अब हम अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लेते हैं जो कि मेरा सेलर अकाउंट तो ओपन है बिल्कुल अभी अभी मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया और लाइव किया सो so, यहाँ पर हम अपने सेलर अकाउंट पे जाएंगे एंड ऑटोमेट प्राइजिंग ऑटोमेट प्राइजिंग ऑटोमेट प्राइजिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी होता है आप अपने अमेजॉन के सेलर अकाउंट में आइकन्स देख रहे होंगे टोटल सेल मार्केट प्लेस ऑर्डर बायर मैसेज बाय बॉक्स विंस कैसे अब बाय बॉक्स विंस क्या होता है कुछ टॉपिक्स कुछ वर्ड्स से हमें क्लियर तो हो रहा है मार्केट प्लेस हो गया हमारी इंडिया ऑर्डर हो गए कैसे हम देख सकते हैं बायर मैसेजेस बाय बॉक्स विन क्या है बाय बॉक्स एग्जैक्टली exactly हमारा ऑटोमेटिक प्राइजिंग के साथ ही जुड़ा होता है जब हम ऑटोमेट प्राइजिंग क्रिएट करते हैं रन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बाय बॉक्स विन होता है मतलब बढ़ता है हमें उसी से अपना बाय बॉक्स बढ़ाने को मिलता है और अपनी सेल्स ग्रो करने का मौका मिलता है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे विजिबल होंगे हम अपनी ऑटोमेट प्राइजिंग को रन करेंगे मिन नॉर्मल तरीके से एंड हम उसमें ये बेनिफिट्स पाएंगे तो ये जो हमारा बाय बॉक्स ब्लैंक है इसे हम आगे कर सकते हैं विन मतलब नंबर्स में परसेंटेज में सो ऑटोमेट प्राइजिंग को रन कैसे किया जाता है वो क्लियर करती हूँ सबसे पहले अपनी प्राइजिंग पे जाएंगे ऑटोमेट प्राइजिंग ऑटोमेटिक प्राइजिंग मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जब हम कुछ भी रूल क्रिएट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हमें दिए होते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे जो कि मैं आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ

स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत सारे रूल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे बेस्ट प्राइस हो गया कॉम्पिटेटिव बॉक्स हो गया कॉम्पिटेटिव लोएस्ट प्राइस हो गया बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट हो गया डिपेंड करता है आप कौन सा रूल कलेक्ट करना चाहते हैं बट मैंने आपको बताया कि जो मेरा रूल है वो बाय बॉक्स अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव बॉक्स रूल रहता है सो हम अपना कोई भी सेल का नाम दे सकते हैं आप जानते हैं अभी जो हमारे यहाँ से सेल गई है वो होली सेल थी अभी जो स्टार्ट हुई है, हुई है नवरात्रि सेल हुई हुई है मल्टीपल सेल्स हुई हुई है तो हम यहाँ पर नवरात्रि सेल्स दे देते हैं मेरी से मेरा जो नेम है रूल का वो है नवरात्रि सेल वन सो so हमने प्रोसीड किया ऑब्वियसली बात है हम अमेजॉन डॉट इन में वर्क कर रहे हैं सो so, यहाँ पर क्लियरली व्हिच प्राइस एक्शन डू यू वांट टू अमेजॉन टू टेक यहां पे स्पेसिफाइड अमाउंट इट्स टेन रुपीज़ मेरा जो रहेगा अमाउंट वो टेन रुपीज़ मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहता है जो भी मेरा सेलिंग कॉस्ट है उससे मैं टेन रुपीज़ कम करना चाहूँगी ज़्यादा मैं नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना बट अगर आपको लगता है कि आपके पास आप कर सकते हैं आप कर बिल्कुल करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट विजिबिलिटी ही बढ़ेगी so, आप पर डिपेंड करता है यहाँ पर सेव द रूल एंड अमेजोन डॉट इन प्रोसीड टू एसक्यू सेलेक्शन एस क्यू सेलेक्शन आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली exactly जो भी हमारे इन्वेंट्री uh, होती है जो हमारे एयर साइंस जो हमारे स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जो भी हमने अपडेट किया वो रहता है सो so, आप यहाँ पर सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं क्लियरली लिखा है मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस आपका प्रोडक्ट दिख रहा है रूल नेम दिख रहा है अब किस रूल के साथ चलाना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अब हम चलाएं अगर अपने रूल्स को फॉलो करें तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने ब्लैक कलर स्नीकर्स और मेन्स बॉक्सिंग है सो so मैं यहाँ पर अपना मैक्सिमम डालूंगी एटीन एटी ठीक है और मिनिमम डालूंगी सेवनटीन नाइन्टी जैसे कि मैं जिस रूल पर मतलब अभी जो मैंने रूल का नेम दिया था वो उसी रूल पर मैं स्टार्ट करूंगी मैंने जैसे यहाँ पर दिया था नवरात्रि सेल वन तो मैंने नवरात्रि सेल वन किया एंड रन कर दिया विद इन फाइव टू टेन मिनट्स में क्लियरली लिखा है ये अपडेट हो जाएगा प्लीज ऑटोमेट प्राइजिंग अलाउ अप फिफ्टीन मिनट्स योर चेंजेस टू अपेयर वी वुड लव तो आपका जो भी प्राइस चेंज हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपको फिफ्टीन मिनट्स में विजिबल हो जाएगा बट आप फाइव टू टेन मिनट्स में भी देख सकते हैं वहाँ आपको शो करेगा इसी के साथ अदर प्रोडक्ट का भी मैं सेम डालूंगी तो एटीन एटी यहाँ पर सेवनटीन नाइनटी सेम रूल जो भी मुझे इसे फॉलो करना है हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा सो so, अब हम यहाँ कहाँ जाकर इसे देख सकते हैं कि कैसे रन हुआ है आप यहाँ पर जाएंगे अपना मैंने आपको बताया ऑलरेडी फाइव टू टेन मिनट्स लगते हैं ऑटोमेट प्राइजिंग ऑटोमेट प्राइजिंग मैंने सिर्फ दो एयर साइंस पर रन किया आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर जितनी भी सेल्स चलेंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी सो so, आप यहाँ पर देख पाएंगे ठीक है तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने एयर साइंस पर आपका ऑटोमेट प्राइजिंग चल रहा है सो so, अगर आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि हम सिंगल सिंगल कैसे चला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी कि हम इसे कैसे बल्क में करेंगे ठीक है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें थैंक यू सो मच